दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। माता दी, दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 15 मई को अमावस्या है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था, शनि जयंती भी है। इस दिन का, इस रात का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है और अमावस्या को तो काली रात भी कहा जाता है। इस दिन बहुत सी शक्तियां जोर पर होती हैं और इसीलिए इसी रात पर काफी ज्यादा तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। और इस दिन शनि जयंती होने के कारण यह रात और भी ज्यादा शक्तिशाली है। काफी लोग तो इस रात का इंतजार करते हैं मंत्र जाप के लिए, तंत्र प्रयोग के लिए, क्योंकि इस रात पर किए जाने वाले प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं। यह रात काली रात मानी जाती है और विशेष शक्तिशाली होती है। तो इसी के लिए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे जो आपको आज की रात अमावस्या पर ही करने हैं। इससे आपका जीवन सुरक्षित रहता है, आपका घर सुरक्षित रहता है और आपका व्यापार भी अच्छा चलता है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जरूर जलाएं। इससे घर पर किसी भी तरह की बुरी नजर या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और घर हर तरह की बुरी बलाओं से दूर रहता है। अगर आपकी दुकान है या व्यापार स्थल है तो दोस्तों, वहाँ पर भी जाकर मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि इस दिन सभी तरह की शक्तियां जोर पर होती हैं, तो विशेषकर इस दिन आपको बिल्कुल अंधेरा कर अपने घर में नहीं रखना चाहिए। खास करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर ही आपको दिया जलाना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी जगह है दोस्तों, अपने घर के मंदिर में। अपने घर के मंदिर में अमावस्या के दिन कभी भी अंधेरा ना छोड़ा करें। रात के लिए पूरी रात तक दीपक जलता रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके पितर की कृपा प्राप्त होती है। आपके देव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपका साथ देने लगते हैं। घर के मंदिर में इस दिन सरसों के तेल का, देसी घी का या फिर तिल के तेल का कोई सा भी दीपक आप जलाकर छोड़ सकते हैं, जो सुबह तक जलता रहे। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी आपके जीवन में खुलते हैं। अगर आप पर कोई संकट आने वाला भी होता है तो वह भी टल जाता है। तीसरी जगह है दोस्तों, तुलसी। तुलसी के पास भी आपको दीपक जलाना है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हर अमावस्या पर तुलसी के पास दीपक जलाता है देसी घी का, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होता है और उसकी हमेशा ही बुरी बलाओं से, बुरी नजर से, बुरे समय से बचाव होता रहता है। अब दोस्तों, चौथी जगह है पीपल का वृक्ष। पीपल पर दिया जलाने से सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पीपल पर अगर ऐसे आप जलाते हैं तो इससे शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आज तो शनि जयंती भी है, तो ऐसा करने से शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राहु केतु से भी आपको विशेष सहायता मिलने लगती है और उनके सभी प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में बुरा समय, ग्रह कलेश और वाद विवाद बहुत ज्यादा होता रहता है, उनको तो जरूर ही पीपल के वृक्ष पर अमावस्या के दिन दीपक जलाना चाहिए। ये चार जगह दोस्तों हमने आपको बताई हैं। इन चारों जगह पर आप अमावस्या के दिन दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और सफलताएं भी कई गुना बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन ही आपके पितर और आपके देवता आपसे मिलने और आपको देखने जरूर आते हैं। तो इस दिन दोस्तों, जरूर उनकी कृपा प्राप्त करें, उनका साथ प्राप्त करें, फिर आपकी हर बुरे समय से और हर बुरी बला से रक्षा होती है। यह कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और यह कुछ खास दिन ही आपको जरूर करना चाहिए, तो जरूर करें दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।